तो देवियों और सज्जनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं नॉलेज प्लस में। और आज हम खेल रहे हैं डेज गॉन। उम्मीद है आपको पिछले लाइव स्ट्रीम्स पसंद आए होंगे। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो मैं आपकी बार अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा लाइव स्ट्रीम्स का इतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो चलिए गेम शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी हमारी वहीं से आगे बढ़ रही है जहाँ लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। तो चलिए अब अपने ट्रैक पर वापस चलते हैं। एक छोटा सा कन्वर्सेशन था होपलैंड के साथ डीकन का। ग्राफिक्स बहुत गजब के हैं दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया था, आपको ये गेम ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत अच्छी गेम है, इसको ज़रूर खेलें एक बार। सामने कुछ ज़ॉम्बीज हैं। आ जा बेटा आ जा। पर मुझे लग रहा है यहाँ एक ज़ॉम्बी हर्ड हो सकता है। काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं इधर उधर से। पूरा पीछे ये छोटी यूजी जैसी जो गन है बहुत फास्ट है दोस्तों, इसे आप जरूर यूज करके देखें। ओ भाई, मुझे ये नाइफ फाइट बहुत अच्छी लगती है, एक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिलता है। यस, गन से वो बात नहीं आती। चलो चलते हैं वापस अपने रास्ते पर। हार्ट पीछे भाग रहा है बंदा। सच में फील आ रहा है जैसे जंगल के रास्ते से हम लोग गुजर रहे हो, आसपास घना जंगल हो। वैसे एक सोचने वाली बात है, क्या इतनी अंधेरी रात में जंगल से ऐसे कच्चे रास्ते से कोई भी राइडर राइड करना चाहेगा? बड़ा एडवेंचरस हो सकता है, साथ में जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से बहुत बेरोजगारी फैल गई है। और ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि अब लोग लूटपाट चोरी चकारी को भी अंजाम देना शुरू करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हाईवे पर, नॉर्मल हाईवे पर भी जाना और अकेले जाना आजकल थोड़ा सेफ नहीं है मेरे ओपिनियन में। हालांकि अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, बट इस बात के चांसेस हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की जॉब्स गई हैं, खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है और दोबारा लॉकडाउन लग गया। भाई ये ज़ॉम्बी तो पीछा नहीं छोड़ने वाला। हाईवे के लुटेरे वाला सीन तो यहां भी हो गया। आवाजें आ रही हैं भाई, और भी ज़ॉम्बी आ रहे हैं इस तरफ। हमको यहीं आना था, हमारे डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं। This is gonna be it.
इन्फिल्ट्रेट द नैरो लैंडिंग जोन। अब हमें नैरो लैंडिंग जोन को इन्फिल्ट्रेट करना होगा और वो भी स्टेल्थली करना होगा। इससे पहले भी एक तरह का स्टेल्थ मिशन आया था और अब हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी कैसे हम वहां तक पहुंचे। रास्ता समझ नहीं आ रहा है, वहां तक ये घास है, वहां तक छुप कर देख सकते हैं, इस घास में छुप सकते हैं। यहाँ से हम सामने जा सकते हैं, इस घास ये झाड़ियाँ हैं इनमें छिप सकते हैं। नदी पार करके उन झाड़ियों में छिपा जा सकता है। हेलीकॉप्टर के काफी नजदीक आ गए हैं, झाड़ियां काफी ज्यादा हल्की हैं। छिप तो गए हैं पर अगर वो इस तरफ आते हैं तो बहुत तगड़ा रिस्क लिया है हमने। पीछा किया जा सकता है इनका आसानी से, मुझे यहाँ छुपना होगा। ये ओब्रायन नाम के बंदे के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ओब्रायन वही था जो गेम के स्टार्टिंग में हमको दिखाई दिया था। इसके साथ डीकन ने अपनी वाइफ को भेज दिया था हेलीकॉप्टर में। क्या मुझे उसके नजदीक जाना है? कुछ क्लियर नहीं है। आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, शायद नजदीक ही जाना। This way, you poor son of a bitch. At least you weren't torn apart by freaks. If you lived a few more weeks, you might have become one yourself, and it would have happened something. What do you want? Stay back. I just want to talk. Nero, Protocol 2-7 states clearly that if conducting operations in quarantine zones, if I encounter any civilians or civilians that I'm forbidden from making contact. Really? See, that sounded to me like making contact. Yes. Yes, it did. You're alive. Yes, I am. How? How are you alive? What? I don't understand. Okay. You were there that night. Farewell.
Neural Protocol 2-7 states that everyone was dead. They were slaughtered, torn limb for goddamn limb. All right, listen up. We're going to do this the easy way or the hard way. The easy way, we have a little chat. You give me the information that I need, and then you go back to digging your way through freaker shit or whatever the hell else you're doing out here. The hard way. I crack open that little space suit, and then we see what your friends out there have to say about you breathing in all this contaminated air. So what's it gonna be, O'Brien? Yes. Okay. Okay. You remember the rooftop of the old brewery. I put a woman on your chopper, she was wounded. Yes. I remember, a knife wound. She was cut pretty bad. I went to the refugee camp that you said you were taking her to. Everyone was dead, so I'm going to ask you again. How did you survive? We weren't there. We were diverted south to another camp. Like you said, the camp in Belknap was overrun, so they moved us south to a camp outside of Silver Lake. Were there survivors? You mean now? I don't know. I was transferred to the research unit. Did she survive? Oh, wait. I can find out. I can check. You have one of our radios. That's how you... I can't promise anything, but I'll check. Uh-huh, then I'm gonna go with you. No, you can't. Please, you don't... Hey, don't understand. I'll fucking shoot you. Not before I shoot you. Okay, look, if you're gonna fucking kill me, do it, okay? I did my job. Did that woman, your wife... I put her on oxygen, I gave her an IV. I kept her alive. I got in a lot of trouble for that. She was septic, she wasn't gonna make it, but I got out of the mass unit. I saved her goddamn life. O'Brien, report. I have to go. Please, you have to get out of here. You don't know these men. O'Brien, what I'm capable of. If I don't hear from you, I don't care how long it takes, I'm gonna track you down. And I'm gonna do a lot worse than snap off an antenna. I'm sorry about your wife. But you're not the only one who lost someone that night. तो दोस्तों एक बड़ी ही नई बात पता लगी है डीकन अब तक ये सोच रहा था कि उसकी वाइफ मर चुकी है क्योंकि जिस कैंप में उसे ले जाया गया डीकन को जो पता था कैंप की लोकेशन वहाँ सभी लोग मर चुके थे कोई वहाँ जीवित नहीं था लेकिन अभी ब्रायन से बातचीत के दौरान ये समझ में आया कि उस रात जब वो हेलीकॉप्टर वहाँ लेकर जा रहे थे तो उनको भी पता लगा था कि वो कैंप जो है वो बर्बाद हो चुका है वहाँ जॉम्बीज ने अटैक कर दिया है तो इसलिए उन लोगों ने अपना रास्ता डाइवर्ट कर लिया था और किसी दूसरे कैंप में वो डीकन की वाइफ को लेकर चले गए थे हालांकि अभी उनके वेयर अबाउट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन इतना जरूर पता लग गया है कि डीकन की वाइफ सेफ है It's all kind of a blur. Yeah, okay. Get some shut-eye, Boozman. I'll tell you about it later. When are we riding out of here, Deke? Soon, Boozer. Real soon. Look, as soon as your arm heals, we're gonna be riding the hell out of here. Yeah, Deke. Okay. O'Brien. You out there? O'Brien! Oh, you son of a bitch, you better radio me. You hear me, O'Brien? I know you're on this channel. God damn it. Okay, you better get back to me. I'll track you down. You got that? Oh, God damn it. Oh, come on! O'Brien! Get back to me. Okay, now just gotta carve it up. Worth some credits. Deke, you there? Did you track down the chopper? Was it the same guy, the one we saw on the roof that night? Yeah.
Yeah, it was him. And did he remember us? Sarah, what happened? I don't know. They got diverted south. He remembered her, but he doesn't know what happened to her. You don't think she's still alive? What? No. No, look, I'm not stupid, loser. I just want to find out, you know, what happened to her. Where she died. Hey, maybe you can finally, I don't know, find some peace. I don't need to find any peace. I gotta go, all right? Deacon out. तो दोस्तों अभी एक और मिशन मिल गया हमें. इसी दौरान मीट की शॉर्टेज हो गई है और हमें कुछ एनिमल्स को मारना होगा. अभी पीछे एक भेड़िए को मारा है और अब इसकी बारी. लेकिन गन से किसी का भी शिकार करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो साउंड क्रिएट करता है और सारे ज़ॉम्बीज़ भी उधर ही आकर्षित हो जाते हैं. और जैसा कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है ऑलरेडी. एक और सर्वाइवर शायद हमने बचा लिया होता. ये भी मारा गया बेचारा. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नहीं बचा पाए तो नहीं बचा पाए, लेकिन उसकी बाइक काम आ गई. अब एक और शिकार की लोकेशन हमको दिखाई दे रही है. यहाँ कोई कैंपिंग साइट हो सकती है या कोई शिकार. और हमको मीट थोड़ा सा मिल गया. अब एक और रह गया है कलेक्ट करना. किलोमीटर तो हमको जाना होगा. नहीं भाई, ये बाइक कुछ बुलेट जैसी नहीं लग रही है. आवाज तो ऑलमोस्ट वैसी है. ऐसा लग रहा है इस गेम के अंदर इन्होंने बुलेट डाल दी है. आपकी हमारी हम सब की प्यारी रॉयल एनफील्ड बुलेट. भाई साहब बहुत सारे ज़ॉम्बी इधर घूम रहे हैं. यहाँ नेस्ट है. पहले हमें नेस्ट क्लियर कर लेना चाहिए. सालों घेर लिया मेरे को भाई, बुरी तरीके से घेर लिया तुम्हारे भाई को. लेकिन अभी मुझे यहाँ पर नेस्ट ढूंढना है. आसपास ही कहीं नेस्ट है. और एक और उतर के आया नीचे. नेस्ट हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है आसपास. कहाँ कहीं लग सकता है. वहीं लग भी रहा है मुझे. वो जो घर जैसा स्ट्रक्चर है कुछ. That one, nest. Nest. Yes. Gotta be right around here. Yahi hai. I'm sure yahi hai. Aur nikalte hain apna jana pehchana Molotov cocktail. Yeah.
सबको भून डालेगा तुम्हारा भाई, सबका बदला लेगा। ये बाबा रे, इधर भागने का नहीं क्या? तंदूरी फ्राई मोमोज मतलब ज़ॉम्बीज। हाँ तो एक नेस्ट तो भाई लोगों खत्म हो गया है। फिर भी चेक कर लेते हैं इधर से, कोई दूसरा नेस्ट तो नहीं है। Might be useful. ये देखते हैं अंदर जाके क्या ऐसा है। चलो वापस चलते हैं अपनी बाइक की ओर। ये रास्ते पर आ गए, बाइक तो हमारी यहाँ पे है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, अपने आगे के रास्ते को पूरा करते हैं। 1.2 किलोमीटर पर हमको जाना है, शायद हमारा कोई कैंप है जहाँ हमको जाना होगा। यहाँ और भी नेस्ट हो सकते हैं, बट अभी मेन मिशन को देखते हैं, बाद में जाकर इनको ख़त्म कर देंगे। रात के वक्त यार कितना स्केरी लगता है यहाँ पर गेम एनवायरनमेंट में। ओ भाई इतने सारे ब्लॉकेट्स लगा रखे थे, मैंने सोचा रास्ता थोड़ा डाइवर्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। भाई कई सारे ज़ॉम्बी हैं इधर। हाँ चलो यहाँ से भाई। Camp full of squatters. You're the assholes who tried to ambush me. तो यहाँ एक एम्बुश ट्रैप लगा हुआ था जो अभी ज़ॉम्बी हमको थोड़ी देर पहले मिले थे। एम्बुश का मतलब घात लगा रखा था इन्होंने कि जैसे ही मैं आऊँगा और हमला करेंगे। यहाँ काफी ज्यादा है ज़ॉम्बी इन्फेस्टेशन। वो तेरी फिर से मिला बंदा। चल तेरी ऐसी गीत ऐसी, यहां से सीधा जंप मारते हैं यार, क्या है इधर मुड़ना उधर मुड़ना। आई गेस मैं पहुंच चुका हूं जहां जाना था।
अच्छा हिरन का शिकार। भाई साहब इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ, इसके चक्कर में मैंने दो हिरन और मार दिए। तो हमारा टारगेट पूरा हो गया है, एक हिरन मैंने वहां भी मारा था। यहाँ से हमें ऊपर की ओर जाना है, एक हिरन ये भी है, जरूरत नहीं है पर छोटी जब मारा है कलेक्ट कर लेते हैं। तो गियर मीट हो गया हमारे पास तरफ। यहाँ से ऊपर की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। अच्छा भाई गलत आ गए, कहीं से जाना पड़ेगा, रास्ता मैप में दिखाया था। अब हमें इतना ही घूम के वापस जाना होगा। तो यार यहाँ से भी तो जा सकते थे हम, जैसे हम नीचे जंप करके आए थे। हाँ तो यहीं से चलते हैं, काफी सारा घूमने वाला रास्ता कट हुआ और शायद इसी के ऊपर कैंप भी है। भाई कहाँ से, ओहो किधर है भाई इतने सारे ज़ॉम्बी। ओ तेरी, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये तो ज़ॉम्बी हर्ड है भाई।